आज के समय में अच्छी आमदनी के लिए मुर्गी पालन के जैसा ही एक अन्य व्यवसाय बेहद लोकप्रिय हो रहा है और वो है बटेर पालन। वैसे स्वरोजगारी बंधु जो पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हैं या फिर इस तरह के रोजगार को अपनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो वो मुर्गियों की तुलना में जापानी बटेर की विशेषताओं पर जरूर गौर करें। बटेर की यह प्रजाति प्रतिवर्ष 3 से 4 पीढ़ियों को जन्म दे सकती है। मादा बटेर 45 दिन की आयु से ही अंडे देना शुरू करती है और 60वें दिन तक पूर्ण उत्पादन की स्थिति में आ जाती है। अगर अनुकूल वातावरण मिलता रहे तो मादा बटेर लंबे समय तक अंडे देती रहती है। ये बटेर प्रतिवर्ष तकरीबन 300 अंडे तक दे सकती हैं। एक मुर्गी के लिए निर्धारित स्थान में 8 से 10 बटेर रखे जा सकते हैं। छोटे आकार के होने के कारण इनका पालन आसानी से किया जा सकता है, साथ ही इन पर दाने का खपत भी कम होता है। शारीरिक वजन की तेजी से बढ़ोतरी के कारण ये 5 सप्ताह में ही खाने योग्य हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये कि मुर्गियों की तुलना में बटेरों में संक्रामक रोग कम लगते हैं, जो इसे व्यापारिक तौर पर उपयोगी बनाते हैं।